हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीजें बताता हूं कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको जरूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से, तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इंफॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीजों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो मेरे पास में कमेंट आ रहा है कि सर क्या हम सिर्फ सेलुलोज लेकर के वेट लॉस कर सकते हैं अगर हम शेक नहीं लें। बिकॉज देखो, ये सवाल इसलिए माइंड में आता है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हर्बल लाइफ जो है वो आपकी बॉडी से इंचेस को कम करता है और दूसरा किसी किसी को बजट की प्रॉब्लम्स भी होती है, तो इसको लेकर के डाउट्स आता है। तो मेरे पास में सवाल आया है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमें हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें सेलुलोज को समझना पड़ेगा, हमें हर्बल लाइफ शेक ले रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर करता हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं ना तो वेट लॉस करवाते हैं और ना ही वेट गेन करवाते हैं और ना किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशंस ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। नंबर टू, सिर्फ आप किसी प्रोडक्ट्स के भरोसे वेट करके या फिर आप सिर्फ वर्कआउट करके आप अपना फैट लॉस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना हो तो मेरे जो 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स है आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज मैं हर वीडियो में इनको प्रायोरिटी पर रखता हूँ, हर वीडियो में मैं इनको बताता हूँ और वो इसीलिए बताता हूँ कि जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं करेंगे तब तक आप अपना बेटर रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। तो कौन से वो रूल्स है सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पर आता है 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग, यानी कि आपको 24 आवर्स के अंदर आपको 7 से 8 घंटे का प्रॉपर रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप बॉडी को, जैसे आप सपोज अगर किसी बिजनेस में बिजी हैं या अपने काम में बिजी है तो आप 5-6 घंटे ही सो करके अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि जब तक आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तब तक आपका एक हेल्दी फैट लॉस नहीं हो पाएगा। नंबर 2 पर आता है वाटर इनटेक। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपकी जो बॉडी है वो 60-70% पानी की बनी हुई है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपको पानी कितना जरूरी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो, उनको ऐसा लगता है कि पानी पिएंगे तो पेट बाहर आ जाएगा, फूल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वाटर इंटेक नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेंशन हो रहा है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने आपकी जो रिक्वायरमेंट है वाटर की उसको पूरा करना है, यानी कि 20 kg पर 1 लीटर पानी आपने पीना है। नंबर 3 पर आता है आपका वर्कआउट। सिर्फ हम डिपेंड नहीं हो सकते हर्बल लाइफ शेक के ऊपर, आपने कोई भी एक हेल्थ एक्टिविटी रखनी है 24 आवर्स में से आपको 45 मिनट्स आपकी हेल्थ एक्टिविटी रखनी है, जिससे आपका बेटर रिजल्ट आ पाएगा, आपका मसल मास मैच्योर होगा और आपकी बॉडी अच्छे से टोन हो पाएगी। नंबर 4 पर आता है आपकी बॉडी को एनालाइज करना, पूरी तरीके से ट्रैक करना। आप सिर्फ वेट को देख करके अपनी बॉडी को ट्रैक मत कीजिए, आपने क्या करना है पूरी बॉडी को इंचेस लेना है, मेजरमेंट चेक करना है, उसके बाद आपको बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करना है। बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर क्या आता है, फैट परसेंट कितना है, मसल मास कितना है, आपकी बॉडी किस कैटेगरी के अंदर जा रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो उसके लिए एक मशीन आती है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वो वेट मशीन आप परचेस कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी डिटेल पता चल जाती है, आपकी पूरी बॉडी कॉम्पोजिशन हो जाता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी का फैट कितना है, कौन सी कैटेगरी के अंदर बॉडी आती है, तो वो सारी आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर आता है आपका डिनर टाइम। हमें क्या करना है कि सोने से 3 घंटे पहले हमारा डिनर कंप्लीट कर लेना है और डिनर करने के आधे घंटे बाद आपने लगभग 1000 स्टेप का वॉक करना, सिंपल, अगर आप अपना हेल्दी फैट लॉस करना चाहते हैं तो।
अगर आप लेट डिनर करेंगे या फिर आप डिनर करते ही एक घंटे बाद अगर आप सो जाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं फैट लॉस जाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो फाइव हेल्दी रूल्स है आपको इसको ऐड ऑन करना है। अगर आप इनको ऐड ऑन करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी पाएगी और कभी आपका वेट रीगेन नहीं होगा और हमेशा आपका वेट आइडल वेट पे मेंटेन रहेगा। तो ये फाइव हेल्दी रूल्स आपने ऐड करने हैं। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखो आपका जो सवाल है उस सवाल को हम समझते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेट लॉस के लिए यानी कि वजन कम करने के लिए आप सेल्यूलोज टेबलेट ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, अगर शेक नहीं ले तो सबसे पहले तो आपको जो वेट लॉस है उसकी आपको वर्ब को समझना पड़ेगा कि वेट लॉस होता कैसे है, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है। देखिए अभी आप अपने प्रेजेंट लाइफस्टाइल में हैं, आपने अपनी लाइफस्टाइल को कोई चेंज नहीं किया है, आप जो चाह रहे वही चाह रहे हो और आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं खाली सेल्यूलोज लेके काम चला लूं क्या। आप जब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं यानी कि सडनली अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है, आपने हर्बल लाइफ शेक को ऐड किया है, तो हर्बल लाइफ शेक के अंदर क्या है, प्रोटीन है। आपका जो फैट लॉस होता है वो किससे होता है, जो फैट लॉस होता है वो किससे होता है कि अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने लग जाए डेली की तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप हर्बल लाइफ शेक को ऐड करते हैं तो आप क्या करते हैं, 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, उसके अंदर आपको मिनरल्स विटामिन मिल जाते हैं, फाइबर मिल जाते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो आपको डेली बेसिस पे नीड होती है उसको पूरा कर लेते हैं। तो आपकी आपका जो रिजल्ट वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब पहले वाली जो आप अपनी लाइफस्टाइल में होते हैं उस समय आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आप खुद एक बार सोचिए कि क्या आप पूरे दिन भर में 25 30 ग्राम 40 ग्राम भी प्रोटीन इंटेक कर पा रहे थे क्या। इसीलिए तो मैं बोलता हूं इस वीडियो के अंदर कि हर्बल लाइफ के शेक आपका वेट लॉस नहीं करवाते भैया, आप आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे प्रोटीन की, तो वो ऑब्वियसली फिर आपका फैट लॉस होना ही है क्योंकि कभी आपने वो चीजें डाली नहीं है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझा रहा हूं। आपने एक फोर व्हीलर या टू व्हीलर कोई भी आपने गाड़ी परचेस की, अगर आप उसको एक ही स्पीड से चलाते जाओगे और कभी आप उसमें कुछ काम नहीं करवाओगे, आप उसकी सर्विस नहीं कराओगे, तो कल उठ करके वो बड़ा काम मांग लेगी। अब जैसे ही दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप एक गाड़ी लाते हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर कुछ भी लाते हैं, और हर महीने आप उसका मेंटेनेंस करवाते हैं, आप अच्छे से उसको रखते हैं, तो वो गाड़ी आपकी एवरेज भी अच्छा देगी और दूसरा आपका साथ भी अच्छा देगी। वैसे ही हमारा शरीर है, अगर आप शरीर को वैसे ही लंबा चलाते जाओगे तो बहुत सारी बीमारियों को पकड़ लेता है, यानी कि आगे चल के आपको बहुत सारी बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। और हर्बल लाइफ शेक क्या है, यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, प्रोटीन शेक और ये जो चाहिए अपने को, प्रोटीन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर कार्बोहाइड्रेट ये चाहिए, जो पूरा कर पा रहे हैं आप, तो पूरा करेंगे तो क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा वर्ब है, इसलिए हम हर्बल लाइफ शेक को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हर्बल लाइफ शेक का हो गया। अब बात करते हैं हमारा सेल्यूलोज। देखो सेल्यूलोज के लिए मैंने वैसे 2-3 वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। सेल्यूलोज का काम क्या है, आपकी बॉडी से वाटर वेट को कम करना, ना कि इंचेस को कम करना। आप इस बात को समझिए, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर होल्ड हो जाता है। अब ये क्यों होता है, या तो आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खा रहे हैं तो आपका 1 ग्राम कार्ब 3 ग्राम आपका पानी को होल्ड करता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर पानी जो पड़ा है वो होल्ड करने लग जाएगा, बिकॉज आप पानी पी नहीं रहे हैं, आप जो रिक्वायरमेंट पानी की वो भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर पानी होल्ड करने लगेगा, यानी कि वाटर रिटेन होने लग जाएगा, एक जाल बन जाएगा आपके शरीर के अंदर। अब आप सेल्यूलोज ऐड करते हैं तो सेल्यूलोज क्या करता है, सेल्यूलोज के अंदर होता है कॉर्न सिल्क एक्सट्रेट जो इसका कंटेंट है, वो क्या करता है, वो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर आपकी यूरिन की मात्रा बढ़ा देता है, यानी कि आपको जरूरत से ज्यादा यूरिन आपका आता है। अब उसमें होगा क्या कि आप जितना पानी अच्छे से पिएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो वो वाटर रिटेन हो चुका है, जो वाटर का एक पूरा जाल बन चुका है, वो आपका जाल कम होने लग जाएगा, मतलब जो स्वेलिंग है उसके लिए वो आपको बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। तो वो जितना भी जो पानी आपकी बॉडी ने होल्ड किया है गंदा, वो आपका शरीर से बाहर निकालना चालू करेगा, क्योंकि आप नॉर्मल जो एक जो आप बाथरूम आता है आपको यूरिन जो बाहर निकलता है उससे कहीं ज्यादा आपका बाथरूम निकलने लग जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन की जो वर्ब है पानी की वो अच्छे से हो जाती है। तो ये इसका काम क्या है, आपकी बॉडी से क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है सूजन को कम करता है। और दूसरा जो सेल्यूलोज जो स्किन होती है, आपने देखा होगा अक्सर स्किन पे डॉट 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 आते हैं और एकदम एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदा है, बिकॉज वो प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन हो गया है। तो सिंपल सा है। अब दूसरा क्या है, इसके अंदर किस हद तक आपको हेल्प हो सकती है, किडनी को लेकर के, यानी किडनी स्टोन जो प्रॉब्लम होती है। अब ऑब्वियसली बात है, देखो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर सपोज जैसे किडनी स्टोन बन गई है, अब सेल्यूलोज का काम क्या है, आपकी बॉडी से फिल्ट्रेशन करना, यानी कि वाटर को बाहर निकालना। तो जैसे ही आप लोग आपकी बॉडी से वाटर बाहर आएगा तो वो जो पथरी है वो भी आपकी बाहर आ जाएगी। तो सेल्यूलोज का काम होता है इस तरीके से, तो इस तरीके से वो आपका
इंचेस लॉस करता है, है ना, यानी कि वो वाटर को बाहर निकाल देता है जो गंदा पानी है। अब सेलुलोज के अंदर ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, जैसे प्रोटीन नहीं है, फाइबर इसके अंदर अच्छा सा है लेकिन प्रोटीन नहीं है जो आपको एक मेन चाहिए, मिनरल विटामिन इतना नहीं है। तो इसलिए आप ये कंपेयर नहीं कर सकते हो कि हर्बल लाइफ शेक सेलुलोज आप ले सकते हो। देखो दोनों मैटर करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अगर आप सेलुलोज अगर आप ले रहे हैं आप कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सेलुलोज ले रहे हैं तो आपको जो बेसिक जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको डाइट से पूरी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर आप डाइट से पूरी नहीं करेंगे और सिर्फ आप सेलुलोज ले रहे हैं और डाइट भी आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर हेल्दी फैट लॉस नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको दोनों में से एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ट्राई करें हर्बललाइफ शेक को, बिकॉज वो आपकी एक लाइफस्टाइल को सुधारता है, आपकी बॉडी को आदत बनाता है प्रोटीन की कि आप उतना प्रोटीन लेने लग गए हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा 10-15 किलो फैट लॉस हो चुका है, फिर आप ऐड करें सेलुलोज को। सेलुलोज का काम फिर उसके बाद में क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो गंदा जो पानी होल्ड हो चुका है उसको वो फटाफट से बाहर निकाल देगा, और दूसरा आप नेचुरल डाइट से भी फिर अपना प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाएंगे, बिकॉज आपने अपने शरीर को आदि बना लिया है, यूज टू बना लिया है। तो ये फर्क है उसके अंदर। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप सेलुलोज नहीं ले सकते, लेकिन कंडीशन मैटर करती है कि आप किस कंडीशन पे और किस सिचुएशन के अंदर आप जो सेलुलोज टेबलेट है वो ले रहे हैं। दूसरा, सेलुलोज टेबलेट आप कब ले सकते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्किन लूज है, और दूसरा आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर होल्ड हो चुका है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, आपकी नी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो वहां पे आपको सेलुलोज को ऐड करना चाहिए, बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। तो जितना आपकी बॉडी से यूरिन फिल्ट्रेशन में बाहर निकलेगा उतना आप अच्छे से हेल्दी फैट लॉस कर पाएंगे। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के साथ में रहकर के आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलुलोज को ऐड करें या हर्बल हेल्थ शेक को ऐड करें। मैं मेरा ओपिनियन अगर दूं तो मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हर्बल हेल्थ शेक को स्टार्ट करें, बिकॉज सेलुलोज से डायरेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिशन की वो पूरी नहीं कर पाएंगे, है ना। और हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। उसके अलावा और भी इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट्स लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।